रावण के मुद्दे पर हमारा ये मानना है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध हम FIR दर्ज करा के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। दशहरे के मौके पर अगर अब कोई रावण का पुतला फूकेगा तो उस पर FIR होगी। जी हाँ, कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है। पहले सुनिए इनका, यह है श्रीकांत त्यागी जी, इनका सुनिए पहले। रावण के मुद्दे पर हमारा ये मानना है कि रावण जैसे विद्वान, त्रिलोकपति की ख्याति प्राप्त और स्वयं श्री राम ने जब रावण अपने प्राण त्याग रहे थे तो लक्ष्मण को ये कहा कि जाइए और रावण से कुछ ज्ञान ले लीजिए जाके। जब भगवान श्री राम स्वयं अपने भाई को ये आदेश दे रहे हैं कि रावण विद्वान है, इतने विद्वान व्यक्ति से जाते जाते कुछ ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए तुम्हें, तो इसका मतलब उनकी विद्वानता पे सवाल नहीं खड़ा हो सकता। और ऐसे विद्वान व्यक्ति को हर दशहरा पर एक चलते फिरते मानव जाति जिसके अपने कोई सिद्धांत नहीं होते, जो समय समय पर अपनी विचारधाराओं को बदलते रहते हैं, जिनका भगवान श्री राम से कोई सरोकार नहीं, भगवान श्री राम की उनके अंदर एक गुण नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर धनुष बाण से रावण का पुतला दहन कर देते हैं, इससे हम ब्राह्मणों की भावना आहत होती है। और आगे चल के ये निर्णय हुआ है हमारे समस्त बैठक करके कि ऐसे लोगों के विरुद्ध हम FIR दर्ज करा के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। साथ ही साथ, और अगर पुतला दहन करने का या महिला के उत्पीड़न का प्रतीक चिन्ह ढूंढना है तो दुशासन और दुर्योधन का पुतला फूंकने का काम करें। उन लोगों से ज्यादा दुराचारी और महिला उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति सृष्टि में न कभी पैदा हुआ और न कभी। तो आपने सुना, कहा हुआ बहुत बड़ा ज्ञानी था, ब्राह्मण था, और मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, इससे ब्राह्मण की भावना को आहत होती है। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहीं इनको, इनकी न्यूज में मैंने कहीं ना कहीं देखा या सुना है। तो जी हाँ, वही है, नोएडा की सोसाइटी में लगभग 7-8 महीने पहले महिलाओं को गालियां दे रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे और धक्का मुक्की भी किया था। जी हाँ, वही है, सही पहचाना। अब तो इन्होंने ऐलान कर दिया, ये घोषणा कर दिया है कि रावण का पुतला कोई अगर जलाएगा तो मैं उसको उस पर FIR करूँगा। तो देखते हैं कब क्या कैसा होता है, क्या होता है। तो आज तो कुछ भी हो सकता है भाई, कलयुग भी है और प्लस वैसा माहौल ही चला हुआ है अपने देश में। देखते हैं दशहरा के मौके पर क्या होता है। तो इस वीडियो में आप क्या कहते हैं कि अपनी राय कैसे रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।